मैं उषा मेहता मानसरोवर गार्डन के रहने वाली 62 ईयर की एज है मेरी। मेरे को कितने सालों से 8-10 साल से घुटनों की प्रॉब्लम थी, तो मैं बहुत डर रही थी अपना ऑपरेशन कराने में। सबसे पूछती थी कि मैं क्या करूं, दवाइयां भी करी, एक्सरसाइज भी करवाई, पर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आया। मेरा डर रही थी मैं करवाने के लिए। फिर हमारे ऊपर 3rd फ्लोर पर सरस्वती जी ने करवाया, तो उनको मैंने देखा, उन्होंने विवेक मित्तल जी से करवाया था, तो मेरे को उनको देख के बहुत कॉन्फिडेंस आया। डॉक्टर मित्तल बहुत अच्छे हैं। उनसे फिर मैं मिली, अपॉइंटमेंट लिया, तो उनसे मिल के तो और मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया। तो फिर मैंने ऑपरेशन की डेट ली और मैंने करवाया, और आज मैं थोड़ा सा ऑपरेशन मेरा हो गया है वेडनेसडे को, तो मैं अब थोड़ा चल सकती हूँ, वॉकर के साथ चल रही हूँ। डॉक्टर मित्तल तो बहुत अच्छे हैं, जितने भी मैं कोई शब्द कहूँ मेरे पास नहीं है कहने के लिए, और उनकी पारुल असिस्टेंट भी। एक्चुअली हम लोग, मेरी मदर को पिछले 7-8 साल से घुटनों की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी। ये इनका चलना फिरना भी थोड़ी सी काफ़ी तकलीफ दे था, सीढ़ियाँ उतरने में बहुत दिक्कत थी, पिंडलियों में इनके हमेशा दर्द रहता था। हमने 2-3 जगह डॉक्टर्स को दिखाया, सब ने एक ही रेफरेंस किया कि इनकी जो है आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। लेकिन अब जैसे सब जानते हैं, जो भी तकलीफ से गुजरेगा सब जानते हैं, ऑपरेशन और सर्जरी नाम से बंदे का बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड हो जाता है कि मेरे साथ पता नहीं क्या होने लगा। लेकिन डॉक्टर, जब विवेक मित्तल जी के बारे में पता चला, एक्चुअली हमारे ऊपर 3rd फ्लोर पे सरस्वती जी ने करवाया था, वहाँ से हमारे को पता चला, उनकी जैसी रिकवरी हमने देखी और ऑपरेशन के मुकाबले और डॉक्टर्स ने जो किए थे उनकी रिकवरी जैसे हमने देखी, तो उससे मेरी मदर को बड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर हमने डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट डेट ली, उनसे आके मिले, और यकीन मानिएगा जो हमारा दर्द डॉक्टर साहब को मिलने पे 100% था ना, उनसे मिलने के सर्जरी के बाद की बात है, आधे घंटे के अंदर ही वो दर्द हमें 50% रह गया। वो दर्द 50% गायब नहीं हो गया, लेकिन एक जो डॉक्टर साहब का जो बात करने का जो अंदाज है, या जो इनको पेशेंट को जो कॉन्फिडेंस देने का अंदाज है ना कि कुछ नहीं होगा, एक दोस्ताना व्यवहार जो उनका है, उससे हमारे को इतना कॉन्फिडेंस आया कि हमारे ये मदर जो पहले सर्जरी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे किसी भी सूरत में, डॉक्टर साहब से मिलने के बाद भगवान जाने इनको क्या जोश आ गया, क्या इनका पंपअप हो गया। उन्होंने कहा जी मैंने सर्जरी इन्होंने करवाने वाले, बहुत जल्दी रेडी भी हो गए, नहीं तो मेरे को इनको रेडी करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन ये बहुत जल्दी रेडी भी हो गए। और फिर हमने तय निश्चित डेट एक ली ऑपरेशन की, डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लिया, डेट ली, तो उन्होंने हमेशा शुरू से देखे आखिर तक उन्होंने हमेशा हमारे को एक ही कॉन्फिडेंस दिया कि सर्जरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, बल्कि इस पोजीशन से आप बहुत अच्छी तरह निकल जाओगे और बहुत अच्छा आपको आगे फील होगा। उनकी हर एक बात कही बिल्कुल सही थी। इस मामले में एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, डॉक्टर साहब तो खैर भगवान है, उनके लिए मैं जो आपको शब्दों में बयान कर रहा हूँ, मेरा ख्याल अगर किसी भी बड़े बुजुर्ग को अगर ये तकलीफ है वो एक बार ही आके मिलें, मैं जो बता रहा हूँ इससे 10 गुना ज़्यादा उनको फील होगा कि हाँ हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे थे। आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपनी तकलीफ में कि हाँ मैं करा सकता हूँ उनसे बात करके, उनका दोस्ताना व्यवहार आपको वैसे ही बड़ा रिलैक्स महसूस कर देगा। दूसरी बात, उनकी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स है, जो खास करके हमारे इधर जो उनके साथ रहते हैं मिसेस पारुल रहते हैं, वो इतनी हेल्पफुल नेचर के हैं, मतलब आप उनसे रात चाहे आप सुबह के 9 बजे बात कर रहे हो अपनी तकलीफ को लेके, कभी आपको कोई दिक्कत पड़े, डॉक्टर साहब हो सकता है कभी किसी अपॉइंटमेंट बिजी हो, या रात को 9 बजे ही बात कर रहे हो, वो आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे। आप हॉस्पिटल में आए हो, आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, वो सब पहले खड़ी हैं जी। इस बारे में तो हम लोग बहुत, हमारे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ। दूसरा, हमने करवाया बीएल कपूर में करवाया, बीएल कपूर में शुरू से लेके राइट फ्रॉम हम लोग जब आके यहाँ पे मिले, जैसा उन्होंने हमें हेल्प करी नंबर लेने में, अपॉइंटमेंट लेने में, बात करने में, हर एक चीज़ करने में, पूरा फ्रॉम द डॉक्टर विवेक मित्तल जी के लिए तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, क्योंकि भगवान की जो हम लोग शुक्र है वर्ड्स में कर ही नहीं सकते, उनको तो आप बिल्कुल एक अलग मान के चलो, आप उनका थैंक्स वर्ड्स में कर ही नहीं सकते, इज़ अ गॉड। और बाकी जो उसके बाद भी जो स्टाफ है, जैसे आप पारुल जी हैं, पारुल जी ने जैसे शुरू से लेकर मेरे को आखिरी तक एडमिशन तक में सारी हेल्प करी, इवन एडमिशन डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ स्पेशली हम लोग 5th फ्लोर पे हैं, इस समय हम लोग 5th B में हैं और हमारा रूम नंबर इस समय 520 है। यहाँ की चाहे नर्सेज हों, हेड नर्स हों, चाहे आपके छोटे से छोटा स्टाफ से लेके, इवन जो क्लीनर से लेके,
और जो नर्सेज हैं सब इतनी हेल्पफुल है, आप याद करो तो वो आपके सामने खड़ी है, और चाहे आप एक बार ही बुलाओ, दस बार ही बुलाओ, कोई भी आपके यहाँ पे जो पंजाबी भाषा में कहते हैं ना, ये मुंह बना लेता है, शायद दूसरी बार ही बुला ले, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इनका एक और ही मकसद है कि आपको भला चंगा करके जिस आपको अच्छी पोजीशन में आपके घर भी बेस्ट सर्विस ही आपको देंगे, बेस्ट आपको ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी आपको बेस्ट मिलेगी, यहाँ पे आप खुद फील करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। BLK Super Speciality Hospital, a passion for healing.